होता है तो हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। हम क्यों नहीं परफेक्शन, जैसे कुरबान साहब ने बात किया कि डेवलप यादाश्त पे क्यों हावी हो जाते हैं, मुझे इस बात से बहुत परेशानी है कि जो दंगों का जो इतिहास है, जो दंगों की यादाश्त है, वो हावी हो जाती है। वो दंगों का घाव इतना गहरा होता है कि वो या तो भर नहीं पाता और या भरने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो याद एक कसक बनी रहती है। सवाल ये है कि ये कसक जा भी तो सकती है, जा सकती कैसे ज्ञानेंद्र भाई, उसके लिए कोशिश करनी होगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने अभी जब प्रोग्राम में आने से पहले हमारे एक सहयोगी बता रहे थे कि जामा मस्जिद में मतलब वहां के हिंदू परिवार, वो ये जो किनारी बाजार वाला इलाका है, वहां एक मस्जिद में वो हिंदू परिवार मिलकर के इफ्तार पार्टी करते हैं और दोनों तरफ से जो इफ्तार के बाद जो रुमाल वाल जो ऑनर में वो तो दोनों तरफ से होता है। तो एक परंपरा ये है इसी दिल्ली में और दिल्ली के दो तीन घंटे के उस हादसे में हादसा होता है। तो कैसे हम लोग इसको वो जो हमारी रिवायत है उसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो शहर शहर में होती है, गांव गांव में होती है। इफ्तार पार्टी, होली, दिवाली, हम सब उसमें शामिल शरीक होते हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये उस पर हमें गर्व भी है। लेकिन सवाल ये कि जब ये इस तरह की घटना होती है तो पॉलिटिकल सिस्टम में तो आपने देखा कि कोई राजनीतिक दल सिवाय प्रधान